हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि हम बहुत बड़ी परेशानी में घिर गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता और सिर्फ हमको एक बहुत ज़्यादा टेंशन होती है दिमाग में कि अब क्या करें। लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं है जिससे हम निकल पाएं। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं चारों तरफ, वो तरह तरह की सलाह हमको देना शुरू कर देते हैं। जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमको बहुत सारी सलाह देना शुरू कर देते हैं और इसके बाद हमको और ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जितने लोग उस तरह की बातें होती हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। तो जब हम बहुत बड़ी समस्या में घिरते हैं तो हमको बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, रास्ता वैसे ही नज़र नहीं आता, और ऐसे लोग सलाह दे करके, मुफ्त की जो सलाह हमको मिलती है तो हमको और ज़्यादा परेशान कर देती है। हम बिल्कुल नहीं समझ पाते कि हमको करना क्या चाहिए और हम अपना सारा गुस्सा अपने परिवार के सदस्यों पर उतारना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि एक समस्या तो बहुत बड़ी थी ही, दूसरी तैयार हो जाती है हमारे परिवार के बिखरने की, क्योंकि 24 घंटे इतना टेंशन हर इंसान नहीं सह सकता। सबको पता है कि आप टेंशन में हैं, घर में समस्या आई है, लेकिन जो हम अपना स्वभाव बना लेते हैं सारा दिन गुस्सा करने का अपने परिवार वालों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हमारा परिवार बिखरने लगता है। जैसे एक ऊन होता है, उलझ जाता है और फिर उसे सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में तैयार हो जाती हैं जिसे हम नहीं सुलझा पाते। तो जैसे ऊन का एक सिरा हमको तलाशना पड़ता है तभी वो सुलझता है, जल्दबाजी में हम उसे नहीं सुलझा सकते हैं। इसी तरह से जब आपको ऐसा लगता है कि ये गंभीर समस्या है, वैसे तो छोटी हो या बड़ी कोई भी समस्या है, हम इस तरह से हल उसको कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एकांत में, एक बंद कमरे में आप बैठिए। कमरे का टेम्परेचर कोशिश करिए कि अच्छा रहे, और लाइट्स आपको वैसे ऑफ करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा सोच पाओगे, ऑन रहे तो भी कोई। तो कमरे की लाइट्स बंद करिए और कमरे में अकेले बैठिए। और आपने कभी देखा होगा कि जब हम कभी कोई सीरियल देखते हैं तो लोग अपने आप से बातें करते हैं, अपनी परछाई से बातें करते हैं। इस टाइप से आप अपनी परछाई से बात करिए, क्योंकि जितने अच्छे जवाब हमारे अंदर छिपे हैं, हम जानते हैं कि समस्या क्यों आई है, क्योंकि उसको हमने ही उत्पन्न किया है, वो हमारी वजह से ही क्रिएट हुई है। इसलिए हमको जो सलाह होगी वो हम ही सबसे अच्छी दे पाएंगे, क्योंकि हमको एक एक चीज़ पता है। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार सामने वाले को बताना चाहें, हम नहीं चाहते, लेकिन हम अपने आप को तो सब कुछ जानते हैं। तो आप बैठिए और अपने आप से, जहाँ से वो समस्या शुरू हुई वहाँ से आप अपने आप से सवाल करिए कि ये समस्या कैसे आई मेरे जीवन में। उसका जवाब आपको मिलेगा, कैसे आई, अब ये समस्या को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ, कितने रास्ते हैं, किस किस तरीके को मैं आजमा सकता हूँ जिससे ये समस्या खत्म हो, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। इसमें कौन सा तरीका अपनाऊं जो ज्यादा सही होगा, जिससे कि मैं इस समस्या से निकल भी जाऊं और समय भी कम लगे, वो कौन सा तरीका होगा, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। और जब तक ये समस्या खत्म नहीं होती तो उस टाइम पर मुझे कैसे अपना व्यवहार रखना है अपने घर वालों के प्रति, मुझे अब कुछ और बिखरने नहीं देना है, जो है उसे संभाल करके रखना है। और अपने आप से ये वादा करिए कि मैं इस समस्या से जरूर बाहर निकलूंगा, क्योंकि भगवान सारे रास्ते कभी बंद नहीं करते, कोई ना कोई रास्ता खुला रहता है। और लग जाइए अपने कामों में, उस कमरे से जब आप बाहर आइए खुश होकर के आइए, एक विश्वास से भरे होकर के आइए, और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि इन आंखों में आंसू नहीं आएगा, दिन रात हम एक करके इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। जो भी रास्ता होगा, जितनी दौड़ धूप करनी होगी हम करेंगे, लेकिन अपने परिवार को नहीं बिखरने देंगे और ना ही इस समस्या को बिना हल किए आराम करेंगे।
सब कुछ ठीक होगा। और उस दौरान आप बेहद खुश रहिए, अपने परिवार वालों को खुश रखिए, आप भी खुद खुश रहिए। आप देखेंगे कि जब आप खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा, तो आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। घर वालों से भी राय लीजिए, ऐसी बात नहीं है। कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी पत्नी में कम अकल है, हमारे बच्चों में कम अकल है। अगर हम उनसे राय ले सकते हैं, वो हमारी बात समझ सकते हैं, तो लेना चाहिए। और अच्छा भी लगता है कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं। और खुश हो करके रहिए और दिन रात एक करिए, मेहनत करिए, उस समस्या को सुलझाने में लग जाइए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब हम मायूस होने लगते हैं, जब हम लड़खड़ा करके गिरने लगते हैं, तो समझिए कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसका पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान है, हमारी क्षमता कम हो जाती है, सब कुछ बिखरने लगता है। कुछ भी बिखरने मत दीजिए, सब कुछ अपनी मुट्ठी में बांध लीजिए और आगे बढ़िए। ये जीवन है और यहाँ पर आसानी से कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर समस्याएं आनी जानी है। हाँ, कभी कभी हम बहुत बड़ी समस्या से घिर जाते हैं, और समय समय में आदत होती है कि सब कुछ बीत जाता है, सुख का समय भी बीतता है और दुख का भी समय बीत जाता है, तो ये समय भी बीत जाएगा। बस इस लाइन को याद रखिए और आगे बढ़िए, और यकीनन आपकी समस्या हल होगी। बिल्कुल भी आप अपने दिमाग में इस ख्याल को भी मत आने दीजिए कि ऐसा ठीक नहीं हो पाएगा, ये चीज ठीक नहीं हो पाएगी, इसे ख्याल में भी मत लाइए। होना ही है ठीक, सब कुछ अच्छा ही होना है। तो खुश होकर के रहिए, आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।